चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल लहलाने वाली खबर को मिस ना करें। 24 मार्च को काशी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 1450 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। योगी की नई नीति, अब SC ST से जमीन खरीदने पर नहीं लेनी होगी DM की अनुमति, रजिस्ट्री पर मिलेगी 50% की छूट। केजरीवाल बोले, देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, BJP बोली लगता नहीं आप IIT पास हैं। पढ़ाई पर महंगाई की मार, स्कूल फीस और किताबें महंगी होने से बिगड़ा आम आदमी का बजट। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी, 12 फिर 34 पार, हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। राशन कार्ड धारकों को खुशखबरी, अब एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन, प्रशासन ने जारी किया आदेश। शराब घोटाले के बाद मनीष सिसोदिया पर जासूसी में केस दर्ज, कांग्रेस नेता की बड़ी मुश्किलें। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके से काफी दहशत, अब सुनामी की चेतावनी जारी। रूस और चीन की तरह नियंत्रित लोकतंत्र लाना चाहती है BJP, बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। अड़ानी मामले से डरी हुई सरकार और PM मोदी, इस वजह से हो रहा तमाशा, बोले राहुल गांधी। नोएडा में 200 रुपए पहुंचा नींबू का दाम, गर्मी शुरू होते ही महंगी होने लगी सब्जियां। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा जेल जाने से बचना है तो BJP में जाओ। CRPF में कांस्टेबल के 9212 पदों पर निकली नौकरियां, 10वीं 12वीं पास करें आवेदन। चीन पाकिस्तान को धूल चटाएगी इंडियन आर्मी, मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन देसी हथियार। PM आवास योजना को लेकर BJP का हल्ला, बोल छत्तीसगढ़ में आज होगा विधानसभा का घेराव। सुप्रिया का BJP पर वार, बोली PM मोदी भी देश को बांटने का कर रहे काम। देश में नया संकट, पावर प्लांट के पास घट रहा कोयला का स्टॉक। पुडुचेरी में बढ़ रहा H3N2 वायरस का संक्रमण, 26 मार्च से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। OPS लागू कराने की मांग पर कांग्रेस का सदन में जोरदार हंगामा, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। कैबिनेट विवाद के बीच भारत वापस पहुंचे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी बोली देश से माफी मांगे। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा H3N2 वायरस, H3N2 मेडिकल स्टूडेंट समेत 2 की मौत, सरकार अलर्ट। सपा नेता आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका, रामपुर पब्लिक स्कूल हुआ सील। UP के CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 3 सालों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। कल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे अमित शाह, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 3 महीने में 25 रुपए सस्ता हुआ खाद्य तेल। EPFO का बड़ा फैसला, ज्यादा पेंशन प्राप्त के लिए 3 मई तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड में वित्त मंत्री ने पेश किया 17,000 करोड़ का बजट, रोजगार पर फोकस। महाराष्ट्र में OPS पर बवाल, दूसरे दिन भी जारी रहेगी हड़ताल। ओल्ड पेंशन देने से केंद्र ने किया साफ इनकार, कहा OPS लागू करने वाले राज्यों को नहीं मिलेगा NPS फंड।